जो ऊंट बकरी चराते हैं तो ऐसे ही मेरे भाई एकदम सिवाने में रेगिस्तान में ऊंट और बकरियां चराते रहते हैं 40। देखिए पूरा कूसा जो है यहाँ पर देखिए तोड़ा जा रहा है। इंडिया में थे ना हमें ये चीज नहीं पता था कि सऊदी अरबिया में भी सब्जी की खेती होती है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला कि वाकई में बहुत ही जबरदस्त खेती यहाँ पर सब्जी की होती है। और खेती के साथ में ये जो पानी की नहर है ना, ये देख सकते हैं, ये देख रहे हैं ना, ये पानी की नहर, इसमें से पूरा खेत में पानी जाता है मोटर लगाए हुए। और देखिए काफी इसके अंदर मच्छी भी है, ये देखिए भाग रही है, देख रहे हैं, देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। तो अभी मैं आया हुआ था सऊदी अरबिया के शहर से बाहर साइड एरिया में और ताइफ शहर में हूँ फिलहाल। तो चलिए यहाँ का कुछ नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पर खेती भी होती है और यहाँ पर ऊंट और बकरियाँ भी पालन होता है और लोग यहाँ पर चराते हैं। और कुछ थोड़ा सा नदी टाइप का हिस्सा है जहाँ से बहता हुआ पानी है, मौका मिला तो वहाँ पर मैं अपनी गाड़ी भी धुलूंगा बहते हुए पानी से। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, ऐसा भी बहुत कभी देखने को मिलता है। इधर की ये जो गाँव एरिया है ना, तो इधर जितनी भी खेती है सब इन्हीं लोगों की है, सब ये पूरा एक कबीला एक खानदान वाले ही है। और ये नहर का हिस्सा है, अभी जहाँ से पानी बह रहा है उधर भी मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ। और देख सकते हैं किसी जमाने में ये नहर हुआ करती थी, अभी इधर पूरा सूखा पड़ चुका है, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं ना जो ऊंट बकरी चराते हैं तो ऐसे ही मेरे भाई एकदम सिवाने में रेगिस्तान में ऊंट और बकरियां चराते रहते हैं 45 डिग्री टेम्परेचर में। देख सकते हैं काफ़ी सारे ऊंट आपको देखने को मिल जाएंगे, देखिए आगे भी ऊंट चल रहा है। तो ऐसे ही लोग चराते हैं, क्या करें भाई, मजबूरी है, किसी को शौक नहीं है यहाँ पर आकर के ऊंट बकरी चराना, लेकिन रोजी रोटी के लिए आना पड़ता है। देख सकते हैं काफ़ी सारे ऊंट चल रहे हैं और इनको प्यास व्यास लगती है तो ऐसे ही कहीं कहीं पानी देखिए मिल जाता है। और ये बहता हुआ पानी है देख सकते हैं, इसी में आकर के भेड़ बकरियां जो भी होती हैं अपना पानी उनी पी लेती हैं। एकदम काफ़ी आउटसाइड एरिया है और ये देखिए बिजली का खंभा और तार गया हुआ है काफ़ी। और देखिए पानी में यार काफ़ी काई लग गई है, मेरे ख्याल से मछली पता नहीं होगी कि नहीं होगी इसके अंदर, देखिए मेरे ख्याल से मछली तो नहीं दिख रही है। ये देखिए ये पानी बहता हुआ पानी है और काफ़ी फ्रेश पानी है, काफी एकदम फ्रेश पानी है, देख रहे हैं, देखें सूंघ करके पानी कैसा है, पानी फ्रेश है यार। ये खेत उत का है या कहीं नहर वहर में से आ रहा है, लोग ये सोचते हैं कि सऊदी अरबिया में नहर नहीं है। मेरे भाई यहाँ पर भी नहर है, कश्ती चलती थी, अब ये अलग बात है कि आज की डेट में कुछ यहाँ पर नहीं है, ये पूरा नहर का हिस्सा है, देख सकते ये देख रहे हैं ना। और यहाँ पर देखिए काफी ऊंट है, ये देखिए यहाँ पर चल रहे हैं, देख सकते हैं काफी तादाद में ऊंट है। वाकई में यार सऊदी अरबिया में अगर जो बहता हुआ पानी मिल जाए ना तो फिर गांव की याद आ जाती है, क्योंकि गांव में हम लोग अपनी बाइक या अपनी साइकिल ना ऐसे ही बहते हुए पानी में धुला करते थे। तो चलिए फिलहाल अभी मैं फटाफट अपनी गाड़ी भी धुल लेता हूँ, अपनी यादों को ताजा कर लेता हूँ। वाकई में यार मजा आ गया कसम से, वाकई पानी बहुत ही साफ है। फिर यहाँ से चलते हैं और ये बकरी यहाँ पर चरा रहे हमारे पाकिस्तानी भाई, अभी उनसे भी कुछ बातें करते हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहे, दिखाते हैं और आगे आप लोगों को, काफी जबरदस्त है एकदम, देख लीजिए एक नंबर व्यू है यार, देख लो भैया। लोग समझते हैं सिर्फ सऊदी अरबिया में पेट्रोल निकलता है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सब्जी भी होती है, माशाल्लाह हर एक चीज देख सकते हैं। यहाँ पर कूसा की खेती, कूसा अपने यहाँ क्या बोलते हैं भाई इसको, यहाँ पर देखिए ये पूरा तोड़ करके रखा हुआ, ये मार्केट में जाने के लिए ना, ये कैसे कार्टून है, 15 रियाल ना, यानी इंडिया का तकरीबन 350 रुपया,
ये कूसा मेरे भाई, अब इसको इंडिया में क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर। देख सकते हैं ऐसे ही पूरी यहाँ पर पैकिंग हो करके मार्केट में जाती है बिकने के लिए। और यही है कूसा की खेत, ये देखिए कूसा, ये कूसा वाला पेड़ है ना, ये देखिए कूसा, देखिए लगा भी है देख सकते हैं। तो कपिल के अंडर में लिए हो कि कंट्रैक्ट पे है? अच्छा अच्छा कंट्रैक्ट पे लिए हो, जबरदस्त यार, पूरी कूसा की खेती है। इसको अपने जबान में क्या कहते हैं? अच्छा बलोचिस्तान में भी कूसा ही बोलते हैं। अच्छा अच्छा ये इंडिया में क्या बोलते हैं मैं भाई कभी देखा नहीं, खरीदा नहीं। ये देखिए तोड़ तोड़ के ऐसे ही कार्टून में सब रखते चले जाएंगे, फिर ये मार्केट में चला जाएगा। जबरदस्त यार। और भाई क्या हाल है, खैरियत, कहाँ से हैं? बांग्लादेश? बांग्लादेश में कहाँ से हो जनाब, कहाँ से बांग्लादेश में? बांग्लादेश में अच्छा अच्छा रस्से। हाँ देखिए पूरा कूसा जो है यहाँ पर देखिए तोड़ा जा रहा है। वैसे वाकई में जब हम इंडिया में थे ना, हमें ये चीज नहीं पता था कि सऊदी अरबिया में भी सब्जी की खेती होती है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला कि वाकई में बहुत ही जबरदस्त खेती यहाँ पर सब्जी की होती है। सही बात। और यहाँ का अंगूर, ताइफ का अंगूर और अनार बहुत ही फेमस, पूरे अरब कंट्री में फेमस है। अच्छा ये पूरा अनार का पेड़ है ना, हाँ देख सकते हैं उधर पूरा अनार का पेड़ लगा हुआ है। देख रहे हैं कितनी बड़ी खेती है मेरे भाई। ये बोरिंग पानी तो बोरिंग का होगा ना सर, पानी मीठा या खारा? अच्छा मीठा पानी है, हाँ इसीलिए जो है बोरिंग का पानी यूज हो रहा है। देख रहे हैं जबरदस्त यार। और पानी की देखिए पाइप इधर लगी हुई है, ये देखो। चलो भाई फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। तो देख रहे हैं मेरे भाई काफी जबरदस्त है यार। और खेती के साथ में ये जो पानी की नहर है ना, ये देख सकते हैं, ये देख रहे हैं ना ये पानी की नहर, इसमें से पूरा खेत में पानी जाता है, मोटर लगाए हुए। और देखिए काफी इसके अंदर मच्छी भी, ये देखिए भाग रही है, देख रहे हैं, देख रहे हैं काफी तादाद में मच्छी है यार, जबरदस्त। ये पूरी नहर है, अभी जो मैं उधर बहता हुआ पानी दिखाया था ना उसी में जो है सब जा रहा है। देखिए काफी मच्छी है यार वाकई में, उधर भी देखिए। तो मेरे भाई आप लोग मच्छी नहीं मारते हो? तो बहुत मच्छी है। अच्छा पकड़ते हो? अच्छा छोटा है, हाँ अभी छोटा है, जबरदस्त यार। तो देखिए मेरे भाई ये यहाँ पर पूरा कूसा की खेती है। और खेती के मामले मेरे दोस्त सऊदी अरबिया में जितनी सब्जी की खेती होती है ना, मेरे ख्याल से इतनी तो शायद हमारे इंडिया में भी नहीं होती है। क्योंकि हमारे इंडिया में काफ़ी तरीके के जो है कि कभी पानी सूखा पड़ गया उसकी वजह से सब्जी खराब हो जाती है। तो मेरे भाई जब हम इंडिया में होते थे ना तो यही सोचते थे कि सऊदी अरबिया में खेती नहीं होती है, लेकिन जब यहाँ पर आए उसके बाद पता चला कि मेरे भाई सऊदी अरबिया में इतनी ज़बरदस्त खेती होती है, सब्जी की हर एक चीज़ की खेती होती है, चाहे लहसुन हो गया, प्याज हो गई, कोतमीर, बैंगन, हर एक चीज़ की खेती होती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जो सब्जियाँ की खेती होती है ना अक्सर देखिए ख़राब हो जाती है, कभी सूखा पड़ गया तो कभी बारिश हो गई, फसल ख़राब हो जाती है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, यहाँ पर भी कभी कभी बारिश होती है, लेकिन इतना ये लोग सिस्टम बना करके रखे हुए हैं ना। अभी देखिए जैसे ये पूरा फूलता हुआ है, लेकिन जब इनको पता चल जाएगा कि यहाँ पर बारिश अब होने वाली है तो पूरा इसके ऊपर पतरी लगा देंगे, उसके बाद जो है कि फिर कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती है, एकदम सेफ रहती है। और सब्जी के मामले में देखा जाए अब तक मैं जितनी भी वीडियो बनाया हूँ, जहाँ जहाँ पर भी खेत पे गया हूँ, वाकई में एक नंबर की मैं यहाँ पर खेती पाया हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर कोई भी सब्ज़ी हुई, चाहे टमाटर हो गया या बैंगन हो गया या गोभी हो गई, 40 दिन में तैयार हो जाती है। और ज़्यादातर यहाँ पर खेती करने में बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग हैं, और खेती कंट्रैक्ट पे लेकर के करते हैं। और जो इंडियन लोग हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर तनख्वाह पे काम करते हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये है ना कि जो इंडियन है वो रिस्क लेना नहीं चाहते, उनके अंदर गट्स नहीं है कि वो रिस्क लेकर के ये खेती कंट्रैक्ट पे लें और इसको करें। और जो पाकिस्तानी हैं, बंगाली भाई हैं, वो जो है कि रिस्क ले लेते हैं। अगर जो सऊदी रिटर्न होंगे, चाहे बुज़ुर्ग चाहे जवान, अगर इंडिया से देख रहे होंगे या पाकिस्तान से देख रहे होंगे,
इंडिया से देख रहे होंगे तो उन्हें पता होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों रिस्क बहुत लेते हैं यहाँ पर। और कहते हैं ना कि बिजनेस में रिस्क लेना ज़रूरी है, जब तक इंसान रिस्क नहीं लेता आगे नहीं बढ़ता। तो ये लोग जो है कि रिस्क बहुत तेज लेते, इसलिए ये लोग यहाँ पर खेती अपनी खुद की करते और माशाल्लाह अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। अब ये इतनी बड़ी खेती देख रहे हैं ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 रियाल सालाना, और तकरीबन कमाते कितना होंगे, कम से कम 1.5 लाख रियाल कमाते होंगे साल का ये लोग। तो बहरहाल ये थी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर किसी और वीडियो मिलेंगे, और भाई का कोई सवाल कोई जवाब कुछ हो तो भाई कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।